पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा एक बार फिर लाकड़ी फाजलपुर में बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माणों तथा अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लाकड़ी फाजलपुर बाईपास स्थित काना गौशाला के पास 25 बीघा क्षेत्र में हाजी पुत्तल के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की गई थी। इसे एमडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान प्रवर्तन टीम प्रभारी मेधा यादव, जेई तेजवीर सिंह, बीश पांडे, आरपी यादव समेत प्रवर्तन दल के कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण किए गए सिलेक्ट हॉस्पिटल की कंपाउंडिंग की प्रक्रिया भी एमडीए ने शुरू कर दी है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कंपाउंडिंग के लिए 50 लाख रुपए दो बार में अग्रिम रूप में जमा करने को कहा गया है, जिसमें 25 लाख रुपए जमा किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि 3 फरवरी को वीसी शैलेश कुमार ने ग्राम मनोहरपुर और मैनाठेर क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध निर्माण देखा था। इन सभी निर्माणों को सील करने के निर्देश मौके पर दिए गए थे। इसी के साथ ही अन्य स्थानों पर भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे ध्वस्तीकरण करने के आदेश तुरंत पारित किए गए और जिसके बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।